गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड हिंदी व्याकरण, बुक नेम है आपका कुटीर। फर्स्ट चैप्टर हमने रीड किया था भाषा, हमने भाषा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भाषा के रूपों के बारे में। स्टूडेंट्स, भाषा के दो रूप होते हैं, फर्स्ट था आपका मौखिक रूप और सेकेंड है आपका लिखित रूप। सबसे पहले हम जानेंगे मौखिक रूप के बारे में कि मौखिक रूप किसे कहते हैं। जब हम अपने मन की बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जब हम कोई बात दूसरों से कहते हैं या बोलते हैं तो वो भाषा का क्या कहलाता है, वो भाषा का मौखिक रूप ही कहलाता है। तो रेडियो की भाषा मौखिक भाषा होती है। जब हम रेडियो पे कुछ सुनते हैं तो वो क्या है, वो हमारी मौखिक भाषा होती है। या किसी से बातचीत करना, वो भी मौखिक भाषा होती है। किसी को कुछ बताना, भाषण देना, ये सब क्या है, ये सब आपकी मौखिक भाषा के थ्रू आते हैं। सेकंड आपका आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा आप किसे कहते हैं, जब हम अपने मन की बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। पत्र व पुस्तक की भाषा हमारी लिखित भाषा होती है, क्योंकि वो लिखी हुई होती है, उसे हम पढ़ करके जानते हैं, इसलिए वो लिखित भाषा है। तो क्या होता, अपने मन की बात जब हम दूसरों तक लिख कर पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा का हम लिखित रूप कहते हैं। अपनी बात को दूसरों तक लिख कर पहुंचाना हमारा लिखित रूप कहलाता है। पत्र व पुस्तक की भाषा हमारी लिखित भाषा होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ जानेंगे भाषा के मौखिक और लिखित रूप के अलावा एक और रूप है। भाषा के दो रूप हुए, आपका लिखित हुआ मौखिक, लेकिन एक रूप और होता है, वो है आपका सांकेतिक भाषा। जो व्यक्ति तो लिख सकता है और ना ही, ना तो वो लिख सकता है सांकेतिक भाषा को और ना ही वो बोल सकता है, वह अपनी बात संकेतों के द्वारा कहने की कोशिश करता है। समझे स्टूडेंट्स, आपके ये लिखित और मौखिक भाषा के अलावा भी एक भाषा होती है जिसे कहते हैं हम संकेतिक भाषा, जिसको ना तो वो व्यक्ति लिख सकता और ना ही वह बोल सकता, वह सिर्फ संकेतों द्वारा ही उसको कहने की कोशिश करता है। यदि एक, जैसे आपने देखा होगा, यदि एक गूंगे व्यक्ति को भूख लगी है तो वह संकेतों से बताएगा कि उसे खाना चाहिए, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है, वो सिर्फ इशारे करके, उसको ही हम संकेतिक भाषा कहते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स आपका लिपि। अपने मन की बात लिख कर बताने के लिए हमें कुछ अक्षरों का सहारा लेना पड़ता है। अंग्रेजी के अक्षर ए बी सी डी आदि होते हैं, तो हिंदी के आ आ ई उ आदि होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश के आपके ये हुए, हिंदी के आपके ये हुए, बताने के लिए हमें इन अक्षरों का सहारा लेना पड़ता है। अब हम लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट टर्न में कराऊंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कुछ लेसन फर्स्ट से कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं, उनकी मैं पिक आपको आज सेंड कर दूंगी, तो आप उसको क्वेश्चन आंसर आप अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी पे नोट डाउन करके और मुझे इसकी पिक भी सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।